Hein? उसने मॉम और डैड दोनों में से किसी को नहीं छोड़ा। अगर तब मैं ताकतवर होता तो उसे रोक लेता। मेरा क्लैन खत्म हो गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। क्या हाल है कोना हमारू? मैं तो अभी ठीक हूँ नारुतो। तुम बताओ नारुतो, तुम अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो ना? हाँ कह सकते हो। अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे अब अकेलापन नहीं महसूस होता। सब लोग गांव को ठीक करने में बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस वक्त मुझसे जो बन पड़ेगा मैं गांव के लिए वो करूँगा। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। इसके लिए फ्री नूडल्स मिलेंगे ना? ओह वाओ, थैंक यू नारुतो। ठीक है मैं चलता हूँ। तो अब मैं पहले इचिराकू नूडल्स खाऊंगा और उसके बाद करूँगा जबरदस्त ट्रेनिंग। ये देखिए सर, लॉर्ड काजिकागे। ये काफी वक्त से यहाँ पर है। तो अब मैं समझा वो आखिर क्या करना चाहता था। काजिकागे को खत्म करने के बाद ओरोचिमारु या उनका रूप ले लिया होगा, पर हम समझ ही नहीं पाए। सारुटोबी, आप आग से खेल रहे हो और इससे हुआ ये कि आप खेल खेल में अपने दोनों हाथ जला बैठे। अपना मुंह बंद करो, खत्म कर दूंगा तुम्हें। अगर मैंने शुरुआत में ही इताची उचिहा को अपने वश में कर लिया होता तो मेरी ये हालत नहीं होती। इताची मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गया है। काकाशी, अब उन्हें क्या चाहिए? तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ पता है, चलो चले। हाँ हाँ बस लाला, ये चोर बाजार वाली दूरबीन आज सच में बहुत काम आ रही है। तो दद्दू होमुरा और गुहारू सेंसे, आप दोनों ऐसे चेहरा लटका के क्यों खड़े हो? हमें एक ताकतवर और भरोसेमंद लीडर चाहिए। अब देखिए मैडम जी, मुझे नहीं पता कि आप मुझे ये सब क्यों समझा रही हैं। इस गांव को अभी फिफ्थ होकागे की जरूरत है। तुम सानिन में से एक हो, तुम्हें ही होकागे बनना चाहिए। अगर एक सानिन को ही गद्दी पर बिठाना है तो किसी और को बिठाइए। आप सुनारे को भूल रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं उसे ढूंढ कर यहाँ तक ला सकता हूँ। तो क्या कहते हैं आप दोनों? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कहीं भी भागने वाला नहीं हूँ। एक बंदा है जिसे मैं अपने साथ ले जाना चाहूंगा। क्या? सॉरी बच्चे, कूपन नहीं तो नूडल्स भी नहीं, यही रूल है। क्या बात है, दोनों गांव की सैर पे निकले हो क्या? काकाशी सेंसेई, आप तो कभी टाइम पर नहीं आते। कभी कभी। तुम दोनों हमारे विलेज के तो नहीं लगते। बड़े दिनों बाद मिले आसुमा, कोरेना है। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इताची उचिहा, इताची, मानना पड़ेगा कि तुम में काफी हिम्मत है जो इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम यहाँ अपना मुंह दिखाने चले आए। तुम्हारा मकसद क्या है? लगता है अब हम बिना लड़े यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरे वाह, केनजुत्सु। अपने गुनाह याद कर लो। तुमने क्या सोचा था, इस केनजुत्सु से मुझे हरा दोगी? कोशिश की लेकिन अफसोस
लेकिन अफसोस अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर, तुम तो अपने काम में बिजी थे तो फिर यहाँ कैसे आना हुआ? इन दोनों को रोकना है, लेकिन मेरी फिक्र मुझे यहाँ तक ले आई। काकाशी, तुम आ गए। काकाशी, हाँ तक है। क्या? बिल्कुल नहीं, तो मैं आपके साथ क्यों चलूं हैं? मुझे एक लड़की को ढूंढने जाना है और उसका मिलना बहुत जरूरी है। तब तो मैं बिल्कुल नहीं आने वाला बाबा। अच्छा बेटा, फिर तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। मैं तो तुम्हें ऐसा जुत्सु सिखाने वाला था जिसके आगे चिदौरी भी फुसकी बॉम्ब लगता। बताइए ना, कब निकलना है? मैं सामान पैक करके आता हूँ। इसकी आंखें अब भी वैसी की वैसी ही हैं। ये है शारिंगान का असली वारिस, मतलब मुसीबत आने वाली है। तो इताची के अलावा भी कोई है जिसके पास ये आंखें हैं? तुम काकाशी हो, है ना? द कॉपी निंजा। किसामे, बस रुक जाओ। अगर तुमने इस आदमी का सामना किया तो तुम्हें भारी पड़ सकता है। तुम्हारे तरीके में जोखिम है और वो किसी काम के नहीं है। अपने मकसद को मत भूलो। हम कुछ ढूंढ रहे हैं और हमें पता है वो यहीं है। तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो? निंजा आर्ट वाटर स्टाइल वाटर वॉल। मानना पड़ेगा काफी स्मार्ट हो। तुमने मेरे मूव्स पढ़ लिए, मेरा मतलब लगभग। बहुत अच्छे काकाशी। पीछे हटो कुरेनाई। काकाशी कुरेनाई। तुम दोनों अलर्ट रहो। ये आदमी 13 साल की उम्र में ही आनबू ब्लैक ऑप्स का चीफ बन गया था। ये क्या कर सकता है तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता। अपनी आंखें बंद करो, उसकी तरफ मत देखना। तुम्हारा शारिंगान तुम्हें इससे नहीं बचा सकता। सुकुयोमी में टाइम स्पेस सब मेरे कंट्रोल में। काकाशी, क्या हुआ? तुम यहाँ जिसकी तलाश में आए हो, क्या वो सास्के है? फोर्थ होकागे की विरासत। नरूटो। काकाशी, अब से मैं नरूटो को ट्रेन करूंगा। जब से ओरुची मारू ये गांव छोड़कर गया है, तब से ही मैं उसकी हर हरकत पर कड़ी नजर रख रहा हूँ। वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया। ऑर्गेनाइजेशन? एक जैसी सोच रखने वाले रोग निंजास का एक ग्रुप है जिनका नाम है अकत्सुकी। वो मामूली शिनोबी नहीं है। उस ऑर्गेनाइजेशन के लगभग हर एक मेंबर का नाम बिंगो बुक में एस क्लास क्रिमिनल के तौर पर दर्ज है। उनका मकसद है ताकत हासिल करना। तो उसके लिए क्या वो नाइन टेल फॉक्स की तलाश कर रहे हैं? नरूटो के अंदर जो नाइन टेल फॉक्स है, तुम उसी के लिए यहाँ पर आए हो, है ना? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम लोग खुद को अकात्सुकी कहते हो, सही कहा ना? मैं हूँ गाय, लीफ विलेज का सबसे हैंडसम और खतरनाक कंटेंडर, ताई जुत्सु का सेंसे। कुरेनाई, काकाशी को मेडिकल कॉप्स के पास ले जाओ। असुमा, तुम मुझे बैकअप दो। समझ गया, क्या बात है? नहीं किसामे, हमें यहाँ से चलना होगा। हम यहाँ कोई जंग लड़ने के लिए नहीं आए हैं। चलो चले। तो चले। बस है, तुम्हें पता है ना कि हम दुनिया घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। कभी सोचा नहीं था एक लेजेंडरी सानीन से मुकाबला करने मिलेगा। अगर हम उससे लड़े तो ताकतवर दुश्मन की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। पर लगता है वो अभी तक नरूटो को ढूंढ नहीं पाए हैं। काकाशी सेंसेई, कोई मुझे बताएगा आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या यह सच है कि इताची वापस आ गया?
तो वो यहाँ वापस आ गया है और वो नरूटो के पीछे पड़ा है। इसका क्या मतलब है? जरा सुनिए, क्या नरूटो आज यहाँ आया था? रुको, मुझे याद करने दो। वो कहीं जाने की बात करने लगे। लेकिन कहाँ? पर एक टाउन में जाने की बात कर रहे थे। हाँ, मास्टर जिराया के साथ चला गया। जिराया के साथ? ए, सुनो, अच्छा तो ये चाबी पकड़ा के आप खुद अपनी किस्मत का ताला खोलने जा रहे हो? आप सच में एक नंबर के बेशरमा। यही वो जगह है क्या? यहाँ पर पीले बालों वाला कोई लड़का है मेरी एज का, और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी है जिसके बाल सफेद हैं। क्या यहाँ पर मेरी उम्र का कोई पीले बालों वाला लड़का है? अरे हाँ, पीले बालों वाला बच्चा और सफेद बालों वाला चाचा, वो दोनों यहीं पर हैं। रूम नंबर क्या है? ठीक है, बस एक मिनट, ये भी लॉक खोल लूं। नरूटो! कौन है ये? इसके पास सास के जैसा शारिंगान है। नरूटो, हमारे साथ चलो। वो आस पास ही है। ये लोग तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। बड़े दिनों बाद मिले हो। इताची उचिहा। इताची, कौन है ये लड़का? ये मेरा छोटा भाई है। इताची उचिहा, खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने जो कहा था मैंने वही किया। मैंने अपने मन में तुम्हारे खिलाफ नफरत की आग भड़काई। यहाँ तो काफी सारा चक्र है। बहुत स्लो हो। तुम दोनों मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, क्यों? पता करके आना चाहिए था। बेटा, मैं वो महान टोज सेज हूँ जो कभी किसी लड़की के जाल में नहीं फंसता, और कोई मुझे इसमें हरा नहीं पाया क्योंकि मैं हूँ जिराया।